इसका सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट के बाद में थर्ड पार्ट देखिएगा। थर्ड पार्ट में है cot थीटा माइनस tan थीटा, थर्ड पार्ट।
अब सेम काम यहाँ पर करना है, इसको साइन अपॉन कॉस करिए, इसको कॉस अपॉन साइन, हो गया। बाकी बच्चे भी बताएंगे, ट्राई करिए। जैसे यहाँ पर तो कन्वर्ट करा था कॉस स्क्वायर में, इसमें करना होगा साइन स्क्वायर में, क्योंकि न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर चाहिए। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, करके दिखाऊं या हो गया? बाकी शरत हुआ कि नहीं, क्या बोल रहे हैं? क्या बताओ, ऑफलाइन आया करो तुम, ऑनलाइन क्यों हो, दो दिन से देख रहे हो? अच्छा अच्छा करेंगे ये है 1 प्लस साइन थीटा, तो ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन थीटा से।
अगर नीचे 1 माइनस साइन थीटा होता तो ऊपर और नीचे 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होता, ठीक है, उसके उल्टे से करेंगे, मतलब नीचे का साइन बदल देंगे बस। तो लेफ्ट हैंड साइड में जरा अंडर रूट बड़ा सा बनाइएगा, फिर हो गया 1 माइनस साइन थीटा डिनोमिनेटर में, क्योंकि 1 प्लस साइन थीटा है तो आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो न्यूमरेटर में देखिएगा क्या आ गया, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये होगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, तो सीधा लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और पूरे का अंडर रूट। दोबारा समझ लीजिए, हमने डिनोमिनेटर में देखा 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा है तो बीच का साइन पलट दो बस, इसको 1 माइनस साइन थीटा कर दो, 1 माइनस साइन थीटा से नीचे मल्टीप्लाई, 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई, उसके बाद होगा क्या, न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो क्या हो गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा था, आपने उसको 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, बी स्क्वायर क्या, साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का अंतर है समझिएगा, तो दोनों का होल स्क्वायर ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है और होल स्क्वायर का अंडर रूट हो रहा है, तो ये तो 1 माइनस साइन थीटा रह जाएगा बस। डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा है, उसका अंडर रूट हो रहा है, तो वो कॉस थीटा रह जाएगा। अब क्या करेंगे, अब दोनों को अलग अलग कर दो, तो 1 अपॉन कॉस थीटा अलग, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अलग, तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया, sec थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है tan थीटा, तो sec थीटा माइनस tan थीटा हो गया, इज इक्वल टू आर एच एस। हो गया जी प्रूफ, समझ गए, ठीक है। चलिए जी इसका सेकंड पार्ट ऑनलाइन वाले बताएं, क्लियर है सभी को, ठीक है। चलिए जी अगला देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या लिखेंगे, 1
कॉस थीटा का स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो गया इसका अंडर रूट, तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अंडर रूट लेंगे इसका तो 1 प्लस कॉस थीटा का तो होल स्क्वायर, होल स्क्वायर का जब अंडर रूट लेंगे तो होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा जब इसका अंडर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा। अब इसको स्प्लिट कर देंगे, स्प्लिट करेंगे तो ये क्या हो गया 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉस थीटा और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा इज इक्वल टू आरएचएस। यही एग्जाम्पल 5 देखेंगे इसी तरह से। Thank you.
हो गया नहीं हुआ बाकी नहीं वन अपॉन कॉस थीटा स्क्वायर प्लस वन अपॉन कॉस थीटा स्क्वायर पे आ रहा है कुछ ऐसा कुछ आ रहा है अभी होता है सही जा रहा है मतलब मुझे हाँ सही जा रहा है अगर स्क्वायर आ रहा है ना तो सही जा रहा है देखिएगा जरा इसमें वन प्लस साइन थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा है तो मुझे तो डिनोमिनेटर वाले पर ध्यान देना है डिनोमिनेटर में वन माइनस साइन थीटा दे रखा है तो इसका मतलब मुझे 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है ठीक है तो इसमें देखिएगा कैसे करेंगे जैसे हमारे पास ये 1 माइनस साइन थीटा यहाँ पर डिनोमिनेटर में है तो मैं क्या लूँगा लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और यहाँ पर ये 1 प्लस साइन थीटा है और ये 1 माइनस साइन थीटा है तो क्या करेंगे 1 प्लस साइन थीटा से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है अब इससे क्या होगा न्यूमरेटर में हमारे पास आ गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर ठीक है यही आया होगा सभी का ठीक 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर नीचे a माइनस b इंटू a प्लस b a माइनस b इंटू a प्लस b यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि ये हमारे पास हो गया 1 का स्क्वायर यानी कि 1 और साइन थीटा का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो ये न्यूमरेटर में देखिएगा क्या है 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या बोलेंगे कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा का होल स्क्वायर ये ठीक है तो ऊपर भी होल स्क्वायर है नीचे भी होल स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर शायद समझ गए होंगे जब ऊपर भी होल स्क्वायर है नीचे भी होल स्क्वायर है तो ये एक तरह से ऐसे हो गया ना जैसे ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अगर लिखा हुआ हो तो उसको ए अपॉन बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ठीक है ये वही चीज़ है कि 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है नीचे कॉस थीटा का स्क्वायर है तो इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर अब होल स्क्वायर है होल स्क्वायर में तो अपनी जगह रहने दो और अंदर आप स्प्लिटिंग कर दो कैसे करेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा वन अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा सेक थीटा हो जाएगा इसको लिख देंगे सेक थीटा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा ठीक है तो ये टेन थीटा हो जाएगा तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर इसमें ऐड हो नहीं स्क्वायर तो बाहर है उसके अंदर तो मैं स्प्लिटिंग वगैरह कुछ भी कर सकता हूँ
होल स्क्वायर हो गया ना, क्योंकि ऊपर वाले का भी स्क्वायर था नीचे वाले का भी स्क्वायर था, तो ऊपर वाला और नीचे वाले का होल स्क्वायर हो गया। हाँ नॉर्मल स्क्वायर होता तो नहीं कर सकता, ठीक है बताइए जी, क्लियर है इतना? ऑनलाइन वाले बोले भाई, नाविया, शरद, समीक्षा, मुकुंद, यस सर, बताइए सभी को क्लियर है ना? ठीक है चलिए, इसके बाद बताइएगा अगला देखते हैं जरा, अगला सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट भी कुछ कुछ ऐसा ही है, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा है, ऐसे ही देखिएगा। थर्ड पार्ट है कॉस थीटा अपॉन
फॉर्मूला साइन थीटा इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, टू साइन थीटा। ये चीज प्रूव कर दी तो हमें इसमें भी कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इसमें भी दिखाई दे रहा है अभी 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा दोनों अलग अलग टर्म्स हैं और एलसीएम के नाम पर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो एक काम करेंगे, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि न्यूमरेटर में दोनों में कॉस थीटा है तो न्यूमरेटर में से कॉस थीटा कॉमन निकाल लो, ठीक है। न्यूमरेटर में से पहले कॉस थीटा कॉमन ले लो, लेफ्ट हैंड साइड मैंने कॉस थीटा कॉमन ले लिया, वन अपॉन वन माइनस साइन थीटा प्लस वन अपॉन वन प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हुआ। अब ये देखिएगा कि जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कॉस थीटा तो ऐसे ही बचा, ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 प्लस साइन थीटा इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इनटू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। प्लस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। प्लस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ऐसे ही इसका फोर्थ पार्ट देखिए, साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर
is equal to 2 upon 2 sin square minus 1. Is equal to 2 upon 1 minus 2 cos square. इतना सब कुछ प्रूव करते हैं, ठीक है। तरीका एक ही है, दिखाई दे रहा है नीचे साइन है माइनस कॉस है और इधर साइन है प्लस कॉस है, ठीक है। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिखाई दे रहा है डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करेंगे, दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, पहले इसको इसके बराबर प्रूव करेंगे, फिर इसके बराबर, फिर इसके बराबर, ऐसे करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए। अब साइन ए प्लस कॉस ए करें, इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इसमें मल्टीप्लाई और ये इसमें मल्टीप्लाई, इसमें प्लस का साइन है, हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब न्यूमरेटर को भी एक्सपेंड करेंगे डिनोमिनेटर को भी, न्यूमरेटर में है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी यानी कि टू साइन ए कॉस ए, और साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू साइन ए कॉस ए यानी कि माइनस टू ए बी। बोलिए जी, यहाँ तक क्लियर है? अभी न्यूमरेटर को एक्सपेंड करा बस। अब डिनोमिनेटर की बात करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए, तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर, ये हो गया। अब न्यूमरेटर में देखिएगा, न्यूमरेटर में हमारे पास है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा वन, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर वन हो गया, टू प्लस का टू साइन ए कॉस ए माइनस का टू साइन ए कॉस ए कैंसिल आउट हो गया, इधर भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ये भी वन हो गया, वन प्लस वन अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए यानी कि टू अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर, ये हो गया। अभी तो यहाँ तक हुआ है, ठीक है, यहाँ लिखिएगा प्रूफ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का पहली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद जब देखिएगा, ये तो हमारे पास टू अपॉन साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर होगी, उसके बाद हमें जो अगला प्रूव करना है वो करना है टू अपॉन टू साइन स्क्वायर माइनस वन, ये प्रूव करना है नेक्स्ट, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, मतलब मेरे को डिनोमिनेटर में सिर्फ साइन स्क्वायर वाला टर्म चाहिए, कॉस स्क्वायर वाला नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, ये जो साइन स्क्वायर है इसको तो एज इट इज रहने देंगे, कॉस स्क्वायर की जगह वन माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, आ जाएगा। तो इसको क्या करके देखिएगा, टू अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह लिखेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर ए, वन माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू टू अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस वन माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए टू साइन स्क्वायर हो गया, ये बन गया ना टू अपॉन टू साइन स्क्वायर ए माइनस वन, ये भी प्रूव हो गया दूसरा वाला टर्म, टू अपॉन टू साइन स्क्वायर ए माइनस वन। अब लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाला में है टू अपॉन वन माइनस टू कॉस स्क्वायर ए, टू अपॉन वन माइनस टू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है जी। इसको किस तरीके से करेंगे,
डिनोमिनेटर में अब तो सिर्फ साइन वाला ही टर्म आ रहा है और मुझे चाहिए सिर्फ कॉस वाला टर्म, तो साइन स्क्वायर की जगह लिख देंगे वन माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ तक कर दिया था ना, अब इसी पे आगे बढ़ते हैं। टू अपॉन क्या करा था, टू साइन स्क्वायर ए माइनस वन, इसको लिखेंगे टू अपॉन टू साइन स्क्वायर ए की जगह लिख देंगे और माइनस वन स्क्वायर ए माइनस वन। तो टू अपॉन अब एक्सपेंड करिए भाई, साइन स्क्वायर ए की जगह लिख दिया माइनस वन स्क्वायर, तो टू इंटू वन इज टू माइनस टू कॉस स्क्वायर ए और माइनस वन, टू माइनस वन इज प्लस वन, टू अपॉन वन माइनस टू कॉस स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये चीज भी, ये भी और ये तीनों प्रूव हो गए। ठीक है, पेपर में आ चुका है, 2000 में आया, 2003 में, 2016 में। ठीक है, ऐसे ही इसका फिफ्थ पार्ट देखिएगा, फिफ्थ पार्ट में देखिए क्या दिया है। फिफ्थ पार्ट है कोसेक थीटा, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें क्लियर है यहाँ तक। Yes, sir. बाकी बच्चे भी बताएं भाई, शांत बैठे हो सारे, बताओ क्लियर है ये, कुछ दोबारा बताना है? ठीक है, दोबारा बताना है,
ठीक है जी, बस इतना कर लीजिए, बाकी इसके कुछ पाँच या छः क्वेश्चन भेजूँगा, ज़्यादा नहीं भेजूँगा, वो आप ट्राई करिएगा, वो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। Thank you.